हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि कवर करते हैं। तो उम्मीद है गाइज, आज भी आपको आवाज आवाज परफेक्टली आ रही होगी, सब कुछ सही होगा, मजा आ रहा होगा। हे गाइज, तो कैसे हो सभी लोग? आप लोग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, सबसे पहले जो है कल के 10 इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है गाइस, तो आवाज आवाज अगर परफेक्टली आ रही है तो जल्दी से मुझे थम्स अप कर दीजिए कि यस सर, आवाज बिल्कुल परफेक्टली आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए तो सबसे पहला सवाल देखते हैं जो कि कल का क्या था। मैंने कल आपसे पूछा था कि भाई थावर चंद गहलोत ने जो है एक हेल्पलाइन सर्विस है जो कि लॉन्च करी है मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन को लेकर, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास को लेकर, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था किरण। ठीक है गाइस, तो आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्रा जेनेका द्वारा कौन सी कोविड-19 की वैक्सीन है जो कि डेवलप करी गई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों कोविशील्ड। नेक्स्ट है दोस्तों जो कि है काजीरंगा नेशनल पार्क को लेकर। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये आपके आसाम के अंदर है, आप सभी को मालूम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर दोस्तों सबसे नंबर वन पे कौन सा स्टेट है? ये है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट था कि कौन से कंट्री ने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज किया है हाइड्रोजन बॉम्ब का, जिसका नाम है जार जार बॉम्ब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोस्तों रशिया ने दोस्तों इसका अनाउंसमेंट है जो कि किया है। ठीक है गाइस, चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पे काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। ओके चलिए, ठीक है गाइस, यहाँ पे अगला सवाल दोस्तों, ये अपने 5 सवाल थे। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी एसएससी कोई भी, अगर आपको इंडिया में कैट का आईआईटी का कोई भी, अगर आपको डिफेंस का कोई भी एग्जाम देना है, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है गाइस, तो आप रेफरल कोड भुवनेश10 है जो कि यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस हैं जो कि अवेलेबल हो जाएगी। मेरा गाइज एसएससी के अंदर जो है वो फाउंडेशन बैच चल रहा है, जहाँ पे मैं ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जीके पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने स्टैटिक जीके और साइंस यहाँ पे खत्म करी है। ये वाले वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे, पहले वाले जो वीडियोज हैं अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो। अभी मैं दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री, केमिस्ट्री, उसके बाद में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। साथ में दोस्तों ये आपको 1 साल का मात्र 450 रुपये पर मंथ के अंदर दोस्तों यहाँ पे ये प्लस सब्सक्रिप्शन है जो कि मिल जाएगा। मेरे अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के भी आपको फाउंडेशन बैच यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ साथ में अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी, जिसके अंदर प्रीलिम्स के, मेंस के, ऑप्शनल के सारे सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर, तो आप BHU NESHU भुवनेश10 अपना रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, 2 सितंबर से मेरा प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 1.5 साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि मैं करवा रहा हूँ, तो पहले ही दिन से ज्वाइन कर लेना अगर आप सच में यूपीएससी देना चाहते हैं तो। ओके, साथ में 5 सितंबर से आपके लिए एक नया चैनल है दोस्तों, मिशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। ओके गाइज, मंडे से मेरी स्पेशल क्लासेस वापस से स्टार्ट हो रही है। सुबह 10 बजे क्लास होती है एनसीईआरटी की और 11 बजे क्लास होती है दोस्तों 3 मंथ चैलेंज की। तो ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों गाइज आज ही ज्वाइन कर लेना, क्या अनअकैडमी पे ओपन करके ऊपर सर्च करना भुवनेश, ठीक है, सर्च करते ही आपको फॉलो करना है और आपको मेरी सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आज के दहिंदू के ऊपर। आज के दहिंदू की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे यूजीसी को लेकर। साथ में दोस्तों यहाँ पे 6 स्टेट है जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, किसको लेकर? नीट और जेईई एग्जाम को लेकर। यहाँ पे दोस्तों इंडिया चाइना पॉलिसी के बारे में बताया गया है जयशंकर जी के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के जो एलजी है ना, उनकी पावर को दोस्तों डिफाइन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे दोस्तों दिल्ली में बारिश के बारे में बताया गया है और जितने भी एमपी दोस्तों अभी जैसे आपको मालूम है पार्लियामेंट में जाएंगे, तो उनको 3 दिन पहले दोस्तों टेस्ट करवाने के लिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी को लेकर एक, मतलब एक न्यूज चैनल है सुदर्शन न्यूज करके, तो वो काफी ज्यादा हेटरेट वाले जो है वो वीडियोस है जो कि लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, उसकी कुछ क्लिपिंग्स आई थी, तो उसको लेकर दोस्तों काफी सारे लोगों ने हाईकोर्ट के अंदर अपील किया और ठीक है, तो यहाँ पे उसका फैसला सुनाया गया है।
यहाँ पे 2 रुपए के लॉस, तो यहाँ पे चैट को लेकर किसी ने किसी के साथ में घोटाला किया उसके बारे में बताया गया, यहाँ पे भी एक मर्डर केस के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे फ्रंट पेज पे जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो है सुप्रीम कोर्ट वाला जजमेंट, और साथ में दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के LG, ये दो स्टेटमेंट है। जो कि आवाज यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, आवाज स्लो आ रही है क्या? आवाज अगर परफेक्टली आ रही है गाइस तो एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए, मेरी आवाज तो फुल है यहाँ पे यार, एकदम तेज है। ठीक है गाइस, जल्दी से बताइए आवाज आवाज परफेक्ट है तो मुझे थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर आवाज आवाज परफेक्टली आ रही है, जल्दी से बताओ। यस नो, यस नो, आधे लोगों के यस आ रहे हैं, आधे लोगों के नो आ रहे हैं। चलो ठीक है यार, कंटिन्यू करते हैं। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बाद में वीडियो देख सकते हैं, मतलब जब वीडियो अपलोड हो जाता है उसके बाद में परफेक्टली सही हो जाता है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो कि अपने स्टेट को लेकर। तो स्टेट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं UGC को, किसको लेकर, अपने एक्ट को लेकर, ऐसा दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। देखो भाई, बात ऐसी है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो है वो लड़ाई चल रही है, किस बात को लेकर, एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेकर। सेंटर बोल रहा है कि भाई एग्जाम करवाओ आप 30 सितंबर तक, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे करवाने करवाओ। स्टेट बोल रहा है कि भाई COVID-19 के अंदर हम एग्जाम नहीं करवा सकते। अब इसको लेकर दोस्तों जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ना, समझ रहे हो, उसके तहत स्टेट को भी पावर होती है कि वो लोगों की जान बचाने के लिए कोई एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो जजमेंट सुनाया गया है, देखिए है ना, स्टेट्स आर एम्पावर्ड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो UGC के जो गाइडलाइंस है उसको ओवरराइड किया गया है, यानी कि स्टेट के पक्ष में जो है वो फैसला सुनाया गया है कि भाई ह्यूमन लाइफ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है COVID-19 पेंडेमिक के अंदर। तो 3 जज की बेंच है जिसको अशोक भूषण जी ने यहाँ पे जो लीड किया, और यहाँ पे बताया कि भाई स्टेट के पास में पावर होती है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत कि वो रिवाइज करवा सकता है UGC के गाइडलाइन को। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था कि भाई 6 जुलाई को कंडक्ट करवाना है फाइनल ईयर, और सेमेस्टर एग्जाम 30 सितंबर तक करवाना है, तो उसको लेकर दोस्तों यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अगर आपकी कोई स्टेट की यूनिवर्सिटी है तो हो सकता है कि उसके एग्जाम अभी डिले हो जाए। साथ में ये भी बोला गया है, यहाँ पे 160 पेज का जजमेंट है, मतलब समझ रहे हो आप, काफी बड़ा जजमेंट है। और साथ में ये भी बोला है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से जो है ना किसी को भी एग्जाम को ट्रांसफर मत करो, यानी कि किसी को भी क्लास को, जैसे कि आपको मालूम है अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो आपने एग्जाम तो लिया नहीं है, अब इंटरनल असेसमेंट के नाम पर प्रमोट कर रहे हो, तो ये भी बोला है कि ऐसा राज्य को नहीं करना है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिन एग्जाम दिए प्रमोट करने के लिए भी मना किया गया है। एग्जाम को आप पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ आने वाले दिनों तक, उसके बाद में जैसे कि नवंबर दिसंबर में आप करवा सकते हैं, 2-3 महीने का गैप आएगा बच्चों के करिकुलम के अंदर, लेकिन वो समझ गए। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद डिसीजन ले सकते हैं इस डिजीज को बचाने, लोगों को बचाने के लिए, और UGC के लिए दोस्तों डिमांड कर सकते हैं। तो ये बात है जो कि यहाँ। ठीक है गाइस, फाइनल एग्जाम जो होंगे आपके वो कुछ टाइम बाद में होंगे, यानी कि हो सकता है नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको बिन एग्जाम दिए प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों, अभी आपको मालूम है कि पिछले 1 साल से पावर्स को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जब स्टेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया ना, आपको मालूम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 के अंदर 31 अक्टूबर, आपको मालूम है पटेल जी की जयंती के पास से लागू किया गया। तो क्या थी, पावर्स को लेकर काफी प्रॉब्लम चल रही थी कि भाई LG की क्या पावर्स होगी, CM की क्या पावर्स होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या पावर होगी, तो उनको दोस्तों यहाँ पे डिफाइन किया गया। यूनियन होम मिनिस्टर ने फ्राइडे को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कई सारे नए रूल्स है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बताए गए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, साथ में LG के फंक्शन को भी बताया गया। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे 3 मेजर चीजें जो कि आपको याद करनी है, पुलिस हो गई, पब्लिक ऑर्डर हो गया, और सेंट्रल की कैडर, सेंट्रल का कैडर का मतलब है जैसे कि कोई भी IPS है, IAS है, ये सारी जो पावर्स होगी ना वो जम्मू एंड कश्मीर के LG के हाथ में होगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आपसे पेपर में सवाल बनेगा कि इनके के LG के पास में कौन सी पावर जो है वो डिफाइन करी गई है रिसेंटली नोटिफिकेशन के द्वारा, तो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और सेंट्रल कैडर, समझ गए, ये 3 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके गाइज, यूनियन गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जो है जारी करके फंक्शन है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के और साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बताए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस रूल्स का, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज, एंटी करप्शन है ना, इसमें आप एंटी करप्शन भी एड ऑन कर सकते हैं, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे एंटी करप्शन, ये सारे के सारे दोस्तों LG के पास में, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है किसके, LG के।
समझ गया मेरी बात। और इन तो किसी सीएम का कोई लेना देना होगा, ना किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई लेना देना होगा, ठीक है। अरे भाई थोड़ा आज इंटरनेट की थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा हो आपको आवाज के अंदर। मैनेज कर लो गाइज, थोड़ी देर में जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद में नहीं आएगी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर कोई भी मैटर है माइनॉरिटी को लेकर, जैसे कि शेड्यूल कास्ट को लेकर, शेड्यूल ट्राइब को लेकर, ओबीसी को लेकर, तो क्या कर सकते हो आप, अपनी प्रॉब्लम जो है वो सबमिट कर दो, समझ गए, और फिर वो उसको डिस्कशन करके रिजॉल्व कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी मैटर्स होते हैं, जैसे कि न्यू टैक्स को लेकर, लैंड रेवेन्यू को लेकर, है ना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को लेकर, डिपार्टमेंट को लेकर, ऑफिसेस को लेकर, ये सारे के सारे पावर दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि सीएम को दोस्तों दी गई है, ठीक है। अगर मान लो कल को बीच में दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाए, एलजी बोले नहीं मेरी बात सही है, सीएम बोले कि मेरी बात सही है, तो एलजी की ही बात है जो कि यहाँ पे मानी जाएगी, समझ गए। अगर तक दोनों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एलजी की ही है जो की बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे एलजी को सीनियर पावर है जो की यहाँ पे दी गई है। कुल मिला के ये बात है जो की आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा मैटर इसके अंदर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए आप 39 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि बताए गए हैं, है ना, यूनियन टेरिटरी के अंदर, जैसे कि स्कूल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हायर एजुकेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे बनाए गए। ओके 39 डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे बात है जो कि यहाँ पे करी गई है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो कि यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ भी और इम्पोर्टेंट, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट बात, बफरिंग हो रहा है क्या? जस्ट गिव मी सेकेंड गाइज। एलजी का फुल फॉर्म, एलजी का फुल फॉर्म मुकेश लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे सही आ रही है मेरे ख्याल से आवाज अभी, एक बार मैं इसको, ठीक है सही आ रहा है यार इंटरनेट स्पीड तो। परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है। ठीक है अभी मुझे एक्सीलेंट कनेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि पेज नंबर 8। यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे दोस्तों एक मूवी को लेकर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के अंदर दोस्तों क्या हुआ है कि एक अपनी इंडियन मूवी है उसको यहाँ पे चूज किया गया है, ठीक है गाइस। इसका नाम मलयालम मूवी है 1956 की, ओके, सेंट्रल ट्रेवनकोर, ठीक है। इसका नाम मध्या थिरु विंतमन कूर्ग नाम से एक मूवी है दोस्तों, जिसको सेंट्रल ट्रेवनकोर बोलते हैं। आप तो सेंट्रल ट्रेवनकोर से नाम से याद करो, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपसे यही नाम है जो कि पूछा जाएगा, समझ गए। तो कहाँ की है ये दोस्तों? केरला की मूवी है, मलयालम मूवी है, 1950 है, जिसके अंदर दिखाया गया है दोस्तों कि किस तरीके से उस जमाने के अंदर माइग्रेशन हुआ करती थी, ह्यूमन और एनिमल की कन्फ्लिक्ट हुआ करती थी, है ना, एक थर्ड वर्ग को लेकर यहाँ पे बताया गया है, समझ गए। 2015 के अंदर दोस्तों उसको वापस जो है, ठीक है, वापस जो इसके मेकर्स थे उनकी मूवी थी, काफी पुरानी मूवी है, लेकिन अभी रिसेंटली इसको मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में वापस से इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइग्रेशन और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इसको लेकर दोस्तों इसको बताया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, बात करेंगे कोविड-19 की, और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पीएसयू की, प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे गाइस, मैं आपको फर्क बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले बात करते हैं, दुनिया में तीसरे नंबर पे इंडिया पहुंच गया है जहां पे सबसे ज्यादा डेथ हुई है, ठीक है गाइस। कोविड-19 डेथ जो है दुनिया में तीसरे नंबर पे, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड दोस्तों हो गई है इंडिया के अंदर, मैक्सिको को अभी रिसेंटली इंडिया ने, ओके, कल भी 75,000 केसेस है जो कि देखने को मिले। थर्ड डे दोस्तों कंसेक्यूटिवली ऐसा हुआ है कि 70,000 प्लस केसेस हमको देखने को मिले, और अभी तो पीक आया भी नहीं है, समझ गए मेरी बात। और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पॉलिसी अपनाई है, जनवरी के अंदर जब बंद करना था तब बंद ही किया, उसके बाद में, ठीक है, और 4 घंटे के अंदर सडन लॉकडाउन जो है अनाउंस किया, जिसकी वजह से काफी सारे माइग्रेशन हुआ, ओके, और तो
तो ये उसको लेकर भी यहाँ पे बताया गया, इनिशियल स्टेज के ऊपर टेस्टिंग रेट काफी कम थी। तो ये केस है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है। 1,000 डेथ है दोस्तों जो कि कल हमको देखने को मिली अक्रॉस द इंडिया। तो ये यहाँ पे बताया गया है सर, नंबर वन के ऊपर यूएसए है, ओके, और हम लोग थर्ड नंबर के ऊपर है जो कि आ गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों तैयारी कर ली है 15% जो स्टेक है उसको बेचने को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के। तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो गलत चीज है या फिर डिसइन्वेस्ट चीज है। तो मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल है जो कि बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसका हिस्ट्री देखेंगे दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट की शुरुआत क्या हुई, फिर देखेंगे कि ये होता क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, क्यों किया जाता है, इसके फायदे भी देखेंगे। ठीक है, कि इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहले तो करंट न्यूज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा मैनेज कर लो गाइस, इंटरनेट का इश्यू आ रहा है यार। आवाज आ रहा है अभी परफेक्ट, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आवाज आ रही होगी अभी मेरे को लग रहा है। चलिए तो एक बार गाइस वीडियो को शेयर भी करते हैं, शेयर नहीं किया है तो दैट और भी बच्चे जो है वो ज्वाइन कर सके। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्ट कर रही है 15% स्टेक एचएएल के अंदर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अंदर। आपको मालूम है दोस्तों पीएसयू है और हमारे यहाँ पे मात्र कंपनी है जो कि किसको लेकर, अपने एरोनॉटिक्स को लेकर काम करता है। इससे दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए है जो कि सरकार रेज करने की सोच रही है 15% स्टेक एचएएल के अंदर डायल्यूट करके। ठीक है गाइज, और 33.43 जो है फेस वैल्यू 10 रुपीज ईच के अकॉर्डिंगली दोस्तों, पहले तो 10% करने का था लेकिन अभी 15% है जो कि बोला जा रहा है करने को लेकर। ठीक है, जो कि रिसेंटली आई है और अभी प्रेजेंटली दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो 89.97% स्टेक है जो कि ओन करती है। गवर्नमेंट करंटली 89.97% स्टेक है जो कि एचएल के अंदर होल्ड करती है। ओके गाइस, और ठीक है, इससे पहले भी 10% जो है वो इसको सेल किए गए थे 2018 के अंदर जो है ना वो सेल करे गए थे, और 4,000 करोड़ रुपए दोस्तों हमने रेस करे थे। ओनली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है कंट्री के अंदर जो कि असेंबल करता है, बिल्ड करता है एयरक्राफ्ट को, इन सभी को। ठीक है, अभी चलिए बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसके इतिहास में चलते हैं। देखो भाई सबसे पहले देखो कि डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। दो तरीके की चीजें होती है, वर्ड सुनने में आता होगा आपको, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट और एक होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपने सेल कर रहे हो, लिक्विड कर रहे हो गवर्नमेंट के एसेट, कुछ भी हो सकता है, सेंट्रल या फिर स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने 10% स्टेक है अपने, जो इक्विटी है, जो शेयर जिसको अपन कंपनी के अंदर वो बेच दिए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा डिसइन्वेस्टमेंट। 10%, 20%, 30% कितने भी हो सकते हैं, 40% भी हो सकते हैं। एक होता है दोस्तों स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये होता है जब आप पूरी तरीके से ओनरशिप या कंट्रोल जो है ना ट्रांसफर कर दो किसी को, ये सेक्टर के अंदर होता है जिसको अपन बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो अगर कहीं पर भी अगर आपको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सुनने को आता है तो उसका मतलब है कि ओनरशिप भी जा रही है, कंट्रोल भी जा रहा है, समझ रहे हो? तो ये एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ होता है। और इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो एक तरीके से ये पैसे को रेज यानी कि पैसा लेने के लिए दोस्तों, समझ गए? अब देखिए थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव देख लेते हैं। ओके, शुरुआत के दोस्तों 40 साल जब इंडिपेंडेंस मिली थी ना, तो दोस्तों हम लोग, हमारे लिए पब्लिक सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना? पब्लिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था और हमारे देश की ग्रोथ हुआ करती थी इसके द्वारा, बहुत जबरदस्त इंजन हुआ करता था हमारे यहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हुआ, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ, इफिशियंसी तो धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर में कम होने लगी, समझ रहे हो? जो कॉस्ट है वो बढ़ने लगी, इनोवेशन कम होने लगा। तो 1991 के अंदर जब दोस्तों यहाँ पे मनमोहन सिंह जी अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने जब फाइनेंस इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस लेके आए, प्राइवेटाइजेशन अलाउ किया, तो उस टाइम पे हमने क्या किया दोस्तों कि जो जो हमारे नुकसान देने वाली कंपनी है ना उसका हम लोग क्या करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। तो 1992 के अंदर 31 ऐसे पीएसयू को सेलेक्ट किया गया और 3,000 करोड़ रुपए में उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया। 1996 के अंदर एक डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनाया जाता है रामा कृष्णा जी के अंडर में,
जो कि बच्चे इन्वेस्टमेंट करना है, सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करना है, पब्लिसाइज करना है इंडियन पीओसी को डिस इन्वेस्टमेंट को लेकर। ठीक है, ये कमीशन 2004 तक दोस्तों चला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फिर डिपार्टमेंट बनाया गया दोस्तों डिस इन्वेस्टमेंट का। ओके, 1990 का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट है, जो कि 2001 के अंदर किया गया। 2004 के अंदर दोस्तों एक और डिपार्टमेंट जो है ना डिस इन्वेस्टमेंट का, वो किसके अंडर में आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके गाइज, और इसका नाम जो है रिनेम करके DIPAM कर दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है गाइज, जो कि आज हमारे एक नोडल डिपार्टमेंट माना जाता है, जब भी किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को, पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचा जाता है तो। ठीक है, इसी प्रकार से हमने एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड भी बना रखा है 2005 के अंदर, जो कि डिसइन्वेस्टमेंट का काम करता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लेकर। ठीक है गाइज, अब देखिए रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, सरकार ने BPCL जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी थी, इसके भी दोस्तों स्टेक है जो कि 53% बेचने को लेकर बोला गया। उसी प्रकार से शिपिंग कॉर्पोरेशन थी, इसी प्रकार से कंटेनर कॉर्पोरेशन थी, इसी प्रकार से आपके तेहरी हाइड्रल पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, इन सबको भी दोस्तों बेचने के लिए बोला था। मालूम है आपको ये सब, तो ऐसे कई सारे PSU है दोस्तों जो कि बेचे जा रहे हैं। ओके, अब देखिए ये एक्चुअली में होता क्या है कि डिस इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं होता है, जरूरी होता है, लेकिन उन कंपनियों का होता है जो कि बहुत ही नुकसान पहुंचा रही होती है, जो आपसे नहीं संभल रही होती है, वहां से आप क्या करते हो, पैसा लेते हो और ऐसी कंपनी में डालते हो अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट में, और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हो, उससे प्रॉफिट निकालने का काम करते हो। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि कंपनी बिक भी रही है, और जो उससे पैसा आ रहा है ना, उससे कोई दूसरी कंपनी जो है वो स्केल भी नहीं हो पा रही है। अगर आप एक कंपनी में से पैसा निकालते हो बेच के, तो दूसरी कंपनी को क्या करते हो, बढ़ावा देते हो ना, और ये कंपनी में हम करते हैं कि ये लोग काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो कि देंगे हमको, लेकिन अभी क्या है कि आप बेच भी रहे हो लेकिन दूसरी कंपनी भी खड़ी नहीं हो पा रही है। देखिए मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं डिस इन्वेस्टमेंट के, यानी कि मैं फेवर की बात कर रहा हूँ ना, डिस इन्वेस्टमेंट को लेकर फेवर। देखिए आपकी जो बजट की नीड होती है वो इससे पूरी हो जाती है, अगर आप डिस इन्वेस्टमेंट करते हो तो, है ना, अपनी PSU का, पब्लिक सेक्टर यूनिट का, जो कि आपके लिए लॉस मेकिंग होती है या फिर जो है नहीं हो पाती है। आप अपने फिस्कल डेफिशिएंट, जो आपका सरकारी जो होता है ना फिस्कल डेफिशिएंट, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में जो अंतर है वो कर लेते हो, आप पब्लिक फाइनेंसिस को इम्प्रूव करते हो, जिससे इकोनॉमिक इफिशियंसी भी बढ़ती है, क्योंकि सरकार कहता है उसको वापस से री इन्वेस्ट करने को लेकर, और आप री इन्वेस्ट उसको बेहतर जगह पे करते हो। ठीक है, ओनरशिप जो है PSU की, जो आप देते हो वो इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस के पास में चली जाती है, आपको पैसा मिलता है टेक्नोलॉजी के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, बाकी PSU को, समझ गए, ये इसके दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं दोस्तों, अगर मैं इसके अगेंस्ट अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो दोस्तों लॉस मेकिंग यूनिट जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं ले पाती है ना, और गवर्नमेंट का जो मोस्टली डिसइन्वेस्टमेंट करती है वो अपने घाटे को बचाने के लिए करती है, घाटे को कम दिखाने के लिए करती है, उसका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव नहीं होता है। ज्यादातर दोस्तों जो फर्म होती है वो लीगल लैंड राइट्स को पता नहीं होते। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट के द्वारा दोस्तों जो सोशली लोगों को थोड़ी सी मदद मिलती है ना, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप होता है, जो गरीब लोग होते हैं, उनको यहाँ पे फायदा नहीं पहुंचता है। ओके, डिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी से क्या होता है दोस्तों कि आप अपना सरकारी जो घाटा है ना उसको तो कवर कर लेते हो, लेकिन मार्केट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कंज्यूमर वेलफेयर जो है वो रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर। इसके अलावा ओनरशिप चेंज होने से दोस्तों ऐसा कहीं पर भी एंश्योरिटी नहीं होती कि एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी उस कंपनी की बढ़ जाएगी। ठीक है गाइस, इससे दोस्तों लाइवलीहुड जो है वो भी लोगों का गिर जाता है, क्योंकि वहां पे वर्कर जो काम करते हैं अब वो कम लोग काम करते हैं। अब प्रॉफिट मोटिव होता है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का, आपको मालूम है, तो वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं, और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी दोस्तों बढ़ जाता है। ठीक है गाइज, तो ये सारे के सारे चीजें हैं जो कि मैंने आपको कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, डिस इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो कि अपने यहाँ पे जापानीज PM को लेकर, जो कि उन्होंने रिजाइन जो है वो दे दिया है, एक इसके न्यूज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जापान के जो PM है शिंजो एबे, आपको मालूम है उन्होंने क्विट कर दिया है अपनी हेल्थ के रीजन की वजह से। ओके, तो बहुत ही जबरदस्त दोस्तों लीडर है जो कि जापान के बताए जाते हैं, और बहुत ही बॉम्बशेल डेवलपमेंट, समझते हो, बॉम्बशेल मतलब एक बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट है जो दोस्तों जापान ने किया है। ठीक है, तो काफी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब इन्होंने आप देख सकते हो, मतलब लीडरशिप रेस के अंदर इन्होंने उसको जापान को ला दिया, तो काफी जबरदस्त काम किया। लेकिन अभी काफी टाइम से दोस्तों इनके एक अल्सर
कॉलिटिस्ट नाम की प्रॉब्लम है जो कि इनके चल रही थी। अल्सर कॉलिटिस्ट क्या होता है कि आपके अल्सर जो छाले होते हैं ना वो आपके कोलन के अंदर हो जाते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसके अंदर और रेक्टम वाले एरिया के अंदर। तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम चल रही थी और ये अपने हेल्थ के ऊपर वजह से काम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे। तो उन्हें काफी बड़ा सरप्राइज है दोस्तों जो कि पूरी दुनिया को दे दिया है। ठीक है, इनकी लीडरशिप क्वालिटी दोस्तों दोस्तों काफी जबरदस्त है जो कि मानी जाती है। इनके रिजाइन देने से आप देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है ना वो 2% डाउन चला गया, समझ रहे हो। इनके रिजाइन देने से मतलब 2% नीचे चला गया, मतलब आप देख सकते हो कितनी ज्यादा वेटेज है जो कि इकोनॉमी के अंदर इनकी हुआ करती थी। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि शिंसो एबे एक जापानीज पॉलिटिशियन है जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रेसिडेंट रहे दोस्तों। यहाँ की जो मेजर पार्टी है ना लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके 2012 से, उस 6 से 2007 के भी थे ये। कैबिनेट सेक्रेटरी रहे 2006 तक, और उसके बाद में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री जापानीज हिस्ट्री के माने जाते हैं। जापानीज हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट सर्व, पहले इलेक्ट हुए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1993 के इलेक्शन में, फिर चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी बने, उसके बाद में दोस्तों ये प्रधानमंत्री बने 1 साल के लिए स्पेशल सेशन में। डाइट जो है इनकी पार्लियामेंट का नाम है। ओके, 52 साल की उम्र है जो कि जापान के यंगेस्ट पोस्ट वॉर प्राइम मिनिस्टर भी माने जाते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद में पैदा हुए हैं। 1 साल के बाद में रिजाइन दे दिया इनके हेल्थ के रीजन की वजह से, लेकिन बाद में वापस से दोस्तों जो है अपनी हेल्थ को सही करके ठीक है वापस से लौटे, और बहुत ही जबरदस्त विक्ट्री है जो कि इन्होंने हासिल करी आने वाले इलेक्शन के अंदर 2014 और 2017 के अंदर। ठीक है गाइस, और अभी काफी टाइम से दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी तो इनके हेल्थ को लेकर, तो इन्होंने फाइनली रिजाइन कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी की पूरी डिटेल है, री इलेक्टेड किए गए 2014 में और 17 के इलेक्शन में। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों बैंकी को लेकर। ये बैंकी कौन है गाइस? एक पर्सन है, एक आर्टिस्ट है, मतलब एक अकेला आदमी भी देखो कितना कुछ कर सकता है, उसका एग्जाम्पल है। ब्रिटिश के स्ट्रीट आर्टिस्ट है। स्ट्रीट आर्टिस्ट का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, यूरोपियन में कोई आपसे भीख नहीं मांगता है ना, कोई आपसे भीख नहीं मांगता, वहां पे लोग क्या करते हैं कोई ना कोई अपना आर्ट का काम करते हैं जिससे लोग पैसे लेते हैं। जैसे कि कोई गिटार बजा रहा होता है, कोई डांस कर रहा होता है ना, कोई अपना जिमनास्टिक दिखा रहा होता है, स्ट्रीट के ऊपर दिखा के अपना पैसा गुजारा, अर्निंग लाइवलीहुड का काम करते हैं। तो ब्रिटिश के अंदर भी एक स्ट्रीट आर्टिस्ट जिनका नाम है बैंकी, उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक बोट बनाई है, ये दिख रहे हैं बोट, और ये रेस्क्यू कर रहे हैं रिफ्यूजीज को मेडिटेरियन के अंदर। आपको मालूम है बहुत सारे अफ्रीका से लोग यूरोप के अंदर आने के चक्कर में मेडिटेरियन के अंदर डूब के मर जाते हैं। तो इस बोट का नाम जो है दिया गया है, वो दिया गया है लुइस मिशेल। ठीक है, तो लुई मिशेल ये बोट का नाम दिया गया है, फ्रेंच की एक फीमेल एक अनार्किस्ट हुआ करती थी, उनके नाम पे ये रखा गया है। ओके गाइज, तो इसने अभी कल ही जो है 89 लोगों की जान है जो कि बचाई है। ओके, और अभी इस जगह के ऊपर लेके गए, 30 मीटर की लॉन्ग है, और जैसे जैसे काम वाम करके खुद के पैसों से जो इन्होंने बनाया इसको, उसको फंड किया है ना, पिंक कलर की, मतलब ये देखिए रेस्क्यू बोट है जो कि बनाई है। ठीक है, तो काफी जबरदस्त काम है जो कि इनके द्वारा किया गया। पर मैं ये पूछा जा सकता है अगर आप पीसीएस या यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो तो ये स्केल है ना लेल को लेकर ये क्या है। ठीक है, चलिए ओके आगे बात करते हैं, पेज नंबर 15 दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माउंटेनर के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक कोच के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ट्रैक एंड फील्ड के बहुत ही फेमस कोच है पुरुषोत्तम राय, उनकी मृत्यु द्रोणाचार्य अवार्ड से भी इनको नवाजा जा चुका है हार्ट अटैक की वजह से 79 की उम्र के अंदर। ओके, तो प्रेस्टीजियस रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दोस्तों वर्चुअल सेरेमनी के द्वारा दोस्तों मिलने वाला था, और काफी जबरदस्त एक एथलीट है अपने टाइम पर है और जबरदस्त कोच है जो कि रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कई सारे इंटरनेशनल एथलीट हैं जैसे कि अश्वनी है, मुरली है, कई सारे जो कि इनकी ट्रेनिंग के अंदर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है सरफराज सिंह को लेकर। सरफराज सिंह दोस्तों कर्नल सरफराज सिंह, ओके, हैड जस्ट कंप्लीटेड द नेशनल इंटीग्रेशन ट्रैकिंग एक्सपेडिशन। तो एक गोरीचन ग्लेशियर है दोस्तों, वहां पे 19,000 फीट के ऊपर उन्होंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, और साथ में उनको एक इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि इनको तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आपको मालूम है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है जो कि स्पोर्ट्स डे है ना, स्पोर्ट्स डे है ना, आज 29 अगस्त अपने मेजर ध्यानचंद जो है उनका बर्थ डेट है। ठीक है, जो कि बहुत मैजिशियन दोस्तों हॉकी के माने जाते थे, मतलब ऐसा उनके स्टिक को भी चेक किया गया था, जब वो ड्रिबल किया करते थे ना तो बॉल ऐसी चिपक के चलती थी कि लोगों को यकीन भी नहीं होता था कि ऐसे भी कोई ड्रिबल कर सकता है क्या। तो मेजर ध्यानचंद जी के तो हॉकी स्टिक जो है उसको भी चेक किया गया, मतलब समझ
लो, तो बहुत ही जबरदस्त स्कोर मांगने जाते थे। इनफैक्ट जब जर्मनी को हराया था दोस्तों ओलंपिक के अंदर, तो भी हिटलर ने भी इनको बोला था कि मतलब आप हमारी टीम में आ जाओ, मैं आपको कर्नल जनरल बना दूंगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि भाई नहीं, मैं जिस टीम से अपने देश से खेलता हूँ मैं उसके साथ ही खेलना पसंद करूंगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 6ठी बटालियन जो है पैराशूट रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं सरफराज। दोस्तों काफी जबरदस्त स्काई डाइवर है, फ्री फॉलर, ओके, स्कूबा डाइव रेस्क्यू डाइवर है। ठीक है, काफी सारी दुनिया के हाईएस्ट पीक है दोस्तों, जो कि इन्होंने 4 कॉन्टिनेंट के अंदर अचीव करी है, जैसे कि एवरेस्ट हो गया, एकेनगुआ हो गया अर्जेंटीना में, एल्ब्रेस हो गया रशिया में, किलिमंजारो तंजानिया में। ओके, तो काफी इनके जो फादर थे दोस्तों बलबीर सिंह, वो खुद भी एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे मेक्सिको ओलंपिक के अंदर, उनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके, और ये भी काफी जबरदस्त माउंटेनियर है, तो इनके बारे में यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट को लेकर। उन्होंने 6 साल है दोस्तों जो कि पूरे कर लिए हैं। आपको मालूम है दोस्तों कि हर आदमी के पास में एक बैंक अकाउंट हो, उसके साथ में एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट। को 6 साल पूरे हो चुके हैं, 28 अगस्त को दोस्तों इसको लॉन्च किया गया 2014 के अंदर। ओके गाइस, यूनिवर्सल एक्सेस बैंकिंग फैसिलिटी देने के लिए बोला गया था। ऐसा बोला गया कि 40 करोड़ लोगों के अकाउंट है दोस्तों जो कि इसके अंदर ओपन करे गए थे। ओके, जिसमें 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट है जो कि डिपॉजिट करवाया गया था, और गवर्नमेंट के जितने भी बेनिफिट होते हैं ना, वो डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर करे जाते हैं। 63% इसमें ग्रामीण भारत के दोस्तों लोग हैं। ठीक है गाइस, तो ये अकाउंट जनधन अकाउंट है जो कि दिया गया। वर्ल्ड बैंक ने भी मतलब बोला गया था वर्ल्ड बैंक की 80% दोस्तों इंडियन जो है ना उनके अकाउंट है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बोला गया था कि भाई जनधन अकाउंट के बाद में ऐसा हो गया। लेकिन एक डाटा रिपोर्ट आई थी, मैं थोड़ा सा इसका रियलिटी चेक भी बता देता हूँ। ऑब्वियसली देखो, नथिंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग, पहली बात। तो अगर हाँ, अगर थोड़े भी लोगों के अकाउंट ओपन हुए हैं तो अच्छी बात है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जितना क्लेम किया जाता है उसका वो रियलिटी नहीं है वैसे। तो ग्लोबल फिनटेक्स डेटाबेस रिपोर्ट ने बोला था कि 80% दोस्तों इंडियन के बैंक अकाउंट ओपन हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें रियलिटी ये बताया कि जो 50% बैंक अकाउंट थे ना, वो इनएक्टिव बैंक अकाउंट थे, यानी कि लोगों ने यूज ही नहीं किया, यानी कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी वो उनको बैंक तक लेके आ ही नहीं पाई। और ये पूरी दुनिया के अंदर हाईएस्ट है, मतलब समझ रहे हो, यानी कि 50% जो भी अकाउंट ओपन हुए वो सारे इनएक्टिव अकाउंट है। ये भी एक इसके अंदर रियलिटी है, सबसे बड़ा इसका एक ड्रॉबैक हुआ है। मतलब अदरवाइज अगर इसमें थोड़ा सा और लोगों का अगर जो ट्रांसफर है, जो पैसे का आवन जावन है, समझ रहे हो, या फिर थोड़ा सारा ज्यादा पैसे दे रही है, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए अभी माल जा रहे हैं, आपको मालूम है कोविड-19 के अंदर जनधन भी आई गेस। ठीक है, तो यहाँ पे 50% अकाउंट है जो कि इनएक्टिव बताए गए। ठीक है, ये इसकी भी एक रियलिटी है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, 78 न्यू रूट्स अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये रियलिटी नहीं है। हाँ भाई, मुझे भी मालूम है। ठीक है, वही तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा पूरी न्यूज एक बार होने करो, मैं आपको रियलिटी भी बता दूंगा, आपको फैक्ट भी बता दूंगा, आपको उससे रिलेटेड कोई फिगर्स होते हैं वो भी बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 78 न्यू रूट्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत। ओके गाइस, तो ये काफी अच्छी स्कीम है जिसका नाम है पूरे देश का आम नागरिक। ओके, यानी कि इसमें क्या किया गया था दोस्तों कि जो अपने रीज को क्या होता है कि एयरपोर्ट आपको मालूम है बड़ी बड़ी जगह पे होते हैं, तो रीजनल एयरपोर्ट भी दोस्तों स्टैब्लिश करने के लिए बोला गया था, ताकि लोग जो है छोटी मोटी सिटीज में भी एयर के द्वारा जा सके और उनका जो प्राइस है ना वो भी कम हो जाए। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एयरपोर्ट बड़े कम है कंपैरेटिवली, अगर हम इतना बड़ा देश है हमारा, तो है ना, हमारे यहाँ पे बहुत ही कम रूट्स के ऊपर। तो 2016 में इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी दोस्तों। अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल, वाइबल, पोर्टेबल फ्लाइट है जो कि रीजनल रूट में चलाने के लिए बोली गई थी, जैसे कि उड़ान वन के